महागठबंधन के भीतर चल रहे विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आयोजित एक ईद मिलन समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चाहे कितनी भी आफत आ जाए लेकिन बिहार की जनता को दिए गए वादे को वो जरूर निभाएंगे। इस दौरान नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बाद आए सामाजिक परिवर्तन की भी खूब चर्चा की, साथ ही उन्होंने दूसरे राज्यों से भी शराब बंद करने की मांग की है। दरअसल नीतीश कुमार जमायत ए हिंद की ओर से आयोजित ईद मिलन समारोह में भाग लेने के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल पहुंचे थे। नीतीश ने कहा कि मैं जब केरल गया था तो वहां शराबबंदी के बाद बिहार में परिवर्तन के बारे में बताया। अब कई राज्यों में धीरे धीरे शराबबंदी की मांग उठने लगी है, हम समाज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी उसमें साथ दीजिए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।